अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज हम एक रिव्यू वीडियो करने वाले हैं। मैं एक फ़ेदर पेन को रिव्यू करने वाली हूँ जिसका सेट बहुत ज़्यादा दराज पर इन है, बहुत ज़्यादा हाइप है और लोग परचेज़ भी कर रहे हैं, रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं और एज़ अ शो पीस बहुत ही अच्छा है। तो पहले इसके मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं। आपको एक फ़ेदर पेन मिलेगा विद मेटल, इसकी मेटल के निब्स हैं, साथ में आपको एक ब्लैक इंक पॉट मिलेगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और इज़ इट वर्थ इट और नॉट, आपको लेना चाहिए या नहीं और इसकी प्राइस क्या है। तो चलते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टे विद मी टिल दी एंड। ये मुझे बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में रिसीव हुआ था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाई थी इसको यूज़ करके, मैंने नेम्स लिखे थे। बहुत ही कोई खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही प्यारा पेन है। इसमें आपको 5 निब्स मिल जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट, और एक निब जो होती है वो पेन के साथ अटैच होती है। तो हम ये पांचों की पांचों निब्स यूज़ करेंगे, देखेंगे कि कैसी राइटिंग होती है इससे। और मैंने जब यूज़ किया है तो जो इसके साथ निब अटैच है ये वाली ज़्यादा अच्छी चलती है, इसमें इंक जो है वो ज़्यादा स्टे करती है, बाकी की बनस्बत ये वाली निब जो है वो ज़्यादा अच्छी है। तो चलते हैं इसको यूज़ करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा ये पेन लिखता है। एक्चुअली मुझे इसको लिए हुए एक मंथ से ऊपर हो गया, मैंने इसे यूज़ भी किया है। इसकी कुछ निब्स ऐसी हैं कि बहुत अच्छी चलती हैं, स्मूथली चलती हैं, और कुछ ऐसी हैं कि वो उसमें इंक जो है वो बिल्कुल भी स्टे नहीं करती, वो डायरेक्ट पेपर पर आ जाती है और पेपर पूरा मैस्ड अप हो जाता है। तो वीडियो में देखते जाएं आपको वो भी पता लगेगा। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और मुझे बताते हैं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, और इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। और इसके प्राइस मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मैंने दराज से जब लिया था तो ये इतने का था, अभी इसके प्राइस जो है वो चेंज हो गए हैं। ये पेन जो है एज अ गिफ्ट बहुत ही कोई अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है एज अ शो पीस, लेकिन मेरे ये इतना यूज़ में नहीं आता। एज यू कैन सी इसको लिखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, आपको बार बार डिप करना पड़ता है। दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन माई चैनल जो कि मैंने रिव्यू की है कोई चीज़। मेरा रिव्यू करने का मकसद सिर्फ ये था कि आपके पैसे वेस्ट ना हो, अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो आपके काम भी आए, यूज़फुल भी हो। ऐसा गिफ्ट बहुत अच्छा है लेकिन मेरे तो ये इतना काम नहीं आया, एज़ यू कैन सी कि मुझे लिखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो। तो चलते हैं, सारी निब्स यूज़ करते हैं, फिर देखते हैं कि एंड रिज़ल्ट क्या आता है, कौन सी वाली ज़्यादा सही है। सो स्टे विद मी। सो एज़ यू कैन सी कि हमने सारी निब्स ट्राई कर ली हैं एंड कुछ निब्स में जो है इंक स्टे नहीं करी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और वो पेपर पे ही एब्जॉर्ब हो गई है। थैंक्स फॉर स्टेइंग विद मी टिल दी एंड। अगर आप यहाँ तक हैं मेरे साथ वीडियो में, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।